हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सिद्धि एंटरटेनमेंट। और आज जो कि छठ पूजा का जो सेकंड डे है, तो मैं आया हूँ अभी ये कदमा जगह में मैं आया हूँ, जो कि हमारा डिपार्टमेंट के एक जन जॉब वर्क करते हैं, उनके नाम है यादव जी। तो उनके घर में छठ पूजा कैसे मनाया जाता है वहाँ पर मैं सेलिब्रेट करने आया हूँ, जो कि जमशेदपुर में ये मेरा पहला छठ पूजा है। तो चलते हैं फिर उनके घर, मैं अभी उनके छत पर हूँ, तो छत पर उनका कैसे पूजा का अरेंजमेंट किया गया है, तो उसके थोड़ा मैं आपको विजुअल दिखाएंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे और कैसे पूजा मनाते हैं इसका, इसके बारे में शॉर्ट डिटेल्स में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ओके, देन लेट्स गो टू द प्लेस। करेलू छठ बरतिया से झाके झूके हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से केकरा लागी हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी बरतिया से उनके लागी ए करेली छठ बरतिया से उनके लागी हम रुदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके रुदिया के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके से करेलू छठ बरतिया से झाके झूके से करेलू छठ बरतिया से झाके झूके लागी
हम तो से पूछी भरतिया ए भरतिया से केकरा लागी ए करलू छठ भरतिया से केकरा लागी ए करलू छठ भरतिया से केकरा लागी हमरो जे स्वामी कवन सन स्वामी से उनके लागी हमरो जे स्वामी कवन सन स्वामी से उनके लागी एकरली छठ भरतिया से उनके लागी एकरली छठ भरतिया से उनके लागी नारियर के पात पर उगेलन सूरज मल झाके धूके नारियर के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके ते करलू छठ भरतिया से झाके झूके ते करलू छठ भरतिया से झाके झूके हम तो से पूछी भरतिया ए भरतिया से केकरा लागी हम तो से पूछी भरतिया ए भरतिया से केकरा लागी ए करलू छठ भरतिया से केकरा लागी ए करलू छठ भरतिया से केकरा लागी हमरो जे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी हमरो जे बेटी को बने ऐसन बेटिया से उनके लागी ए करली छठ भरतिया से उनके लागी ए करली छठ भरतिया से उनके लागी
राजी गाराजी देवा परी से ले छठी मैया लगो करू कहाँ से हैं हम? बिहार से आए हैं, छपरा डिस्ट्रिक्ट बिहार। हम पहुँचे हैं थर्सडे को। अच्छा, मतलब छठ पूजा के लिए इधर आए? हाँ, हम लोग यहाँ है ना कि औरत लोग पहले छठ करती है तो मायके से करती है, तो मेरा यहाँ ससुराल है। अच्छा, तो हम वहाँ पर मनाने के लिए आए हैं। ये छठ पर्व हम लोग का बहुत पुरान मैंने अथी है, बहुत श्रद्धा से हम लोग मनाते हैं। तीन दिन तीन रात इसमें हम लोग जगते हैं। आटा उटा जितना भी है सब बीज में सब मनाया जाता है। आटा जो है मार्केट का यूज नहीं होता है, गेहूं धोया जाता है, उसको सुखाया जाता है। एक आदमी रहता है उसमें, आकर पत्थर कोई पक्षी नहीं पड़े, ड्यूटी रहता है। आ तीन दिन का पर्व है, आ तीन दिन में बुझिए कि हम लोग 24 आवर में कम से कम 20 आवर तक जगह रहते हैं। मतलब हाँ, ऑल नाइट जागना पड़ता है। तो जब छठ पूजा शुरू हुआ था आपका फीलिंग कैसा था, अभी कैसा लग रहा है? नहीं, फीलिंग तो हम लोग उत्सुक रहते हैं, अभी फीलिंग बनिया है। अब थोड़ा लेकिन फिर अभी तो आज लास्ट डे है, खत्म हो जाएगा फिर थोड़ा सा। था तो हरानी, तीन दिन का हरानी रहता है, सीधा लोग खाना पीना खाएगा सोएगा, फीलिंग अच्छा रहता है। नदी में नहीं जाने का रीजन मैं तो जानना चाहता हूँ। नदी में कोरोना काल से ये सब बंद हो गया है। हम लोग थे यहाँ, थोड़ा सा सफाई उफाई के चलते, और कोई रीजन नहीं है। नदी में इसे अच्छा रहता है। तो छठ पूजा तो लेडीज लोगों के लिए है, आप लोगों का क्या सहयोगी सहयोगी को भी जेंट्स भी करता है? मैंने जिसका भाड़ा रहता है, जो मान्यता कोई भाड़ा उड़ा भाग लिया जेंट्स करता है, लेकिन बनना पड़ता है उन लोगों को सपोर्ट के लिए, शुद्ध रहना पड़ता है, नहीं तो इनका तुरंत आंसर मिल जाता है। आप गलत कीजिएगा तुरंत आपको सजा मिलेगा। मतलब बहुत रेस्ट्रिक्शन है नहीं? ओके, थैंक यू थैंक यू। जो पहली बार यहाँ पूजा कर रहे हैं, मेरे बिहार से आई है। अच्छा, फर्स्ट बार उठाई है, तो उनसे कुछ बात कर सकते हैं? ठीक, तो चलते हैं। जो छठ पूजा उनका पहली बार है, फर्स्ट छठ पूजा है, उनसे कुछ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो यहाँ बैठे हैं मेरे पास, ये इनका पहला छठ पूजा है, तो उनसे कुछ जानेंगे। तो नमस्ते जी, आपका नाम पहला जानना चाहेंगे? मेरा नाम गीतांजलि है। आप कहाँ से हैं? हम छपड़ा जिला से हैं। Okay. छपड़ा रोजो, और ये मेरा मायके है। अच्छा, ये है? अच्छा, ये आप? ये मेरा मायका है, ससुराल मेरा छपड़ा है। तो ये आपका पहला छठ पूजा जी? हम छठ उठाने मायके आए हैं पहली बार। तो जब छठ मतलब शुरू हुआ था, मतलब आने वाला था छठ पूजा, तो उस टाइम आपको कैसा लग रहा था, अभी कैसा लग रहा है? इच्छा तो बहुत थी कि हम छठ उठाए, मन था बहुत कि छठ उठाए, लेकिन डर भी लग रहा था अंदर से, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। डर किस बात का? मतलब फास्टिंग को लेकर, कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फास्टिंग मतलब डर क्यों? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा डर रहते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अकेले हम कर पाएंगे कि नहीं, पहला बार है मेरा। तो आपको सपोर्ट कौन कौन किया है यहाँ? तो सपोर्ट करने सबके भाई थे, भैया थे, भतीजा भतीजी सबको ही है, मेरे पति देव, मेरे बच्चे, सबको, पूरे परिवार। तो आप फास्टिंग कितना दिन से फास्टिंग है? ना कुछ भी नहीं खाना है ना, फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं खाना रहता है इसमें। पहला दिन तो नहाए खाए रहता है, दूसरा दिन खरना, जिसमें सिर्फ शाम को खीर और रोटी खाया जाता है, उसी समय पानी पिया जाता है। मतलब जो तीन दिन कुछ भी नहीं खाएंगे? नहीं, पूरा दो दिन पहला दिन तो खाया जाता है, नहाए खाए का दिन, नहा के पूजा वूजा करके खाया जाता है, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध खाना बिना लहसुन प्याज का। तो अभी पूजा भी खत्म हो रहा है, आज लास्ट डे है, खत्म हो जाएगा फिर अगले साल आएगा, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो खत्म हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है? हाँ, दुख तो हो रहा है, माँ अब जा रही है शरीर। अच्छा, छोड़ के तो शरीर छोड़ देगी तो तकलीफ शुरू हो जाएगा। तो अगले साल फिर करेंगे ना, अभी पूरा मतलब हिम्मत आ गया। हिम्मत आ गया। ओके, तो फ्रेंड्स, अभी जो इनका पहला छठ पूजा था, काफ़ी इनका फीलिंग बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि बोलते हैं कि इसका काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, इन्होंने तीन दिन से फास्टिंग था, पूरा कुछ भी नहीं खाया है, तो आज इनका जो उपवास मतलब कंप्लीट हो गया, आज पारण हो गया हम लोग का। अभी कुछ खाएंगे नहीं आप? खा लिए हम लोग। क्या खाए हैं? गुड़ और ये अदरक
वही पहले हम लोग खा के पानी पिए, अब चाय पिए है, प्रसादी खाए हैं। और कुछ बोलना चाहेंगे जो अभी आपको देख रहे हैं? हम सबको बोलना चाहेंगे, सबको मेरा आशीर्वाद है, सब खुश रहे, सब छठ एंजॉय किए हैं, सब साथ भी दिए हैं छठ में, अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत हम भी खुश हैं बस। और दूसरों को बोलेंगे कि हाँ आप लोग भी करिए बोल के? हाँ, हम यही संदेश देना चाहेंगे, करिए आप लोग भी, ये तो प्रकृति का पर्व है, साक्षात सूर्य का इसमें पूजा होता है और गंगा मैया का, इसलिए हम सबको कहेंगे कि एक बार जरूर करें, कम से कम 5 साल जरूर करें। 5 साल? हाँ, मतलब मिनिमम 5 साल करना है तो कम से कम 5 साल जरूर करें। और इसमें जो पूजा देख रहे हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं बहुत सारा फ्रूट्स है, क्या क्या फल इसमें यूज होता है? इस सीजन में जितने फल आते हैं सब यूज होते हैं, जितने भी फल आते हैं, जितने भी फल। कुछ बोलना चाहें कुछ फलों का नाम? नारियल, केला, संतरा, और ये नींबू हुआ, अंगूर हुआ, और सुथनी हुआ, अदरक हुआ, सारे फल, मूली, गाजर, सब सारे फल लग जाते हैं, जितने सीजनली फल होते हैं सब लग जाते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। छोटी खड़ी है तो उनसे भी कुछ बात करेंगे। तो ये आपका छठ पूजा क्या, इसके बारे में कुछ बोलिए। आस्था का महापर्व है ये, सालों से ये मनाया जा रहा है, हमारे घर में भी हमारी दादी परदादी ये मनाते हुए आ रही है, आज हमारी माँ कर रही है ये। आपके आप बस किए हैं क्या, मतलब फास्टिंग आप किए हैं छठ में? हाँ, फास्टिंग की है। कितना दिन फास्टिंग? वैसा फास्टिंग नहीं की है, नॉर्मल प्याज लहसुन जो बंद है वो चल रहा है, वो माना जा रहा है। कुछ बोलना चाहेंगे छठ पूजा जो नहीं कर रहे हैं या जो आपको देख रहे हैं? छठ सभी को करना चाहिए, मन की शांति मिलती है इससे, मन की शांति के लिए छठ पूजा करना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ और भी एक जन है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस है इसके बारे में, उनसे भी कुछ जानकारी लेंगे। कुछ बोलिए छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा सन का फेस्टिवल है, हम लोग सूर्य देवता के का पूजा करते हैं, उगते हुए सूरज और ढलते हुए दोनों सूरज की, मतलब दोनों से हमें सीख मिलती है कि ढलना मतलब एंड इज ऑल्सो गुड एंड बिगनिंग इज ऑल्सो गुड। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं है, और कुछ नहीं बस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर यादव जी हैं और उनके फैमिली यहाँ पर है, तो कुछ उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। तो छठ पूजा के बारे में कुछ बोलिए, आप कब से पूजा, अभी जब पूजा शुरू हुआ था कैसा लगा, अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, पूजा बहुत सुंदर लगा। तो आज खत्म हो जा रहा छठ पूजा, तो कुछ क्या बोलेंगे? दुख है मन में? नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश है, दुख नहीं है, खुश है। तो ये आप कब से कर रहे हैं, जब से मतलब सडनली शादी होने के बाद किया ना, कुछ साल के बाद? मेरा करते हुए हो गया 2013 से हम कर रहे हैं। 2013 से कर रहे हैं? हाँ, 2013 से कर रहे हैं। तो घर में कौन कौन आए हैं यहाँ से? यहाँ घर पर सब रिलेशन का सब कोई आया है, सब कोई आया। आप कुछ ये भाई साहब ने कुछ आपको हेल्प किया कि नहीं पूजा? बहुत किए, बहुत हेल्प किए, पूरा हेल्प ही नहीं कहा। क्या क्या आपका योगदान है थोड़ा बताए? सारा व्यवस्था करना ही हमारा पहला काम है कि पहले व्यवस्था करना, इनको कोई चीज़ का कमी ना हो, व्रत कर रही है, और हर चीज़ में सहयोग देना हमारा कर्तव्य है, और धूमधाम से हम लोग इस छठ को मनाए हैं और हर साल मनाते हैं। ये सूर्य पूजा है। ड्यूटी के साथ ये कैसे मैनेज हो पा रहा है? इसमें हम ड्यूटी में लीव ले लेते हैं, है ना, लीव लेके ये ऐसा पूजा है कि कहीं भी रहिए ये पूजा में आप शामिल हो जाइएगा, है ना, कोई भी हो छठ करता है वो शामिल हो जाता है, और ये आदिकाल से चलते ही आ रहा है ये पर्व, और हमारा ये जनरेशन सब एक पे एक ले के चल रहा है, है ना। थैंक यू, थैंक यू यादव जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आज का जो छठ पूजा का जो व्लॉग था, यहाँ पर जो मैं सुबह से लगभग मैं आया था 4 बजे, मैं सिद्धगुड़ा से यहाँ पर मैं आए हैं, ये कदमा में है। तो अभी यहाँ पर जो पूजा था लगभग ख़त्म हो चुका है, तो हमने कुछ लोगों से बात किया, उनका ओपिनियन जाना कि छठ पूजा क्या है और क्यों करना चाहिए, उसका रेस्ट्रिक्शन क्या है। तो सबका ओपिनियन आपको तो अब मिल चुका होगा, और यहाँ पर ये जो वीडियो है हम ख़त्म कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे डेफिनेटली आप लगभग मुझे कुछ ना कुछ एक कमेंट मुझे करिए, तो आपको ये कैसा लगा, और इसमें अगर आप कर रहे हो, अगर आप भी छठ पूजा कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर आपको कुछ ओपिनियन है, अगर आपको कुछ सजेशन है इस छठ पूजा को लेके, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।